चौटन थाना क्षेत्र में दो अलग अलग सड़क हादसों में दो व्यक्तियों की मौत हो गई। पहला हादसा धनाऊ सड़क मार्ग पर धर्मपुरी मंदिर के पास हुआ, जिसमें बाइक स्लिप होने से एक बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं दूसरा हादसा कैलनोर सड़क पर घोनिया के पास हुआ, जिसमें जीप और ट्रैक्टर की भिड़ंत में एक की मौके पर ही मौत हो गई। चौटन से विपिन भंसाली की रिपोर्ट। चौटन थाना क्षेत्र में रविवार को हुए दो अलग अलग सड़क हादसों में दो लोगों की मौत हो गई। पहला सड़क हादसा धर्मपुरी मंदिर के पास हुआ, जहां एक बाइक सवार सामने से आ रहे ऊंट से टकरा गया। 24 वर्षीय बाइक सवार मालाराम पुत्र चतराराम निवासी नेत्राड़ अपनी बाइक पर सवार होकर चौटन की तरफ आ रहा था। इसी दौरान धर्मपुरी मंदिर के पास दौड़ते हुए आ रहे ऊंट की चपेट में आने से उसकी बाइक अनियंत्रित होकर सड़क हादसे में उसकी मौत हो गई। वहीं चौटन थाना क्षेत्र के धोनिया सरहद में रविवार को बोलेरो और ट्रैक्टर के बीच जबरदस्त भिड़ंत हो गई। इस सड़क हादसे में बोलेरो गाड़ी में सवार रामाराम पुत्र ईश्वरराम जाट निवासी उदासरिया की मौत हो गई। पुलिस ने दोनों मृतकों के शव कब्जे में लेकर चौटन CHC की मोर्चरी में रखवाया और सड़क हादसों की पड़ताल शुरू कर दी। चौटन थाना अधिकारी भुट्टाराम ने बताया कि पुलिस ने दोनों मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर चौटन CHC में रखवाया और मृतकों के परिजनों को भी घटना के संबंध में सूचित किया। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को जब्त कर लिया है और पुलिस हादसों की जांच में जुटी है। पुलिस के अनुसार मृतकों के परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस अग्रिम कार्रवाई करेगी।